Namaskar, hello and welcome to Wow with Sonali, World of Wellness with Sonali. आज आपण एका इंटरेस्टिंग व्यक्तीला भेटणार आहोत ज्यांच्याकडनं मलाही भरपूर काही काही जाणून घ्यायला आवडेल आपल्या डे टू डे लाईफविषयी आणि डे टू डे जे काही आपल्या आयुष्यात होत असतं डिझीजेस आहेत किंवा आणखीन काही ते न येण्यासाठी ज्या गोष्टी काही आपण करू शकतो त्या सगळ्याची माहिती आज आपल्याला मिळणार आहे. ते दिल्लीच्या मेडिकल कॉलेजचे जे हेड आहेत डॉक्टर अरुण गुप्ता त्यांच्याकडनं ते पंचकर्माचे हेड आहेत. सो आपण त्यांना भेटूया आणि त्याच्याशी भरपूर गप्पा मारून घेऊया आणि आपली जी काही मिसकन्सेप्शन आहे ती थोडीशी क्लिअर करूया. नमस्ते. नमस्ते. सो दिस इज डॉक्टर अरुण गुप्ता. अरुणजी, जनरली यू नो आजकल लोग अभी अभी थोड़ा बहुत जाने लगे हैं आयुर्वेदा की तरफ, लेकिन अदरवाइज लोग बहुत सारे एलोपैथी और मेडिकल साइंस यू नो जो दवाइयाँ होती हैं एलोपैथी की उनकी तरफ जाते थे, बट अभी थोड़ा फिलहाल इंटरेस्ट आयुर्वेदा की तरफ आने लगा है. तो क्या आपको भी ये चेंज यू नो फील हो रहा है? आपको क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, पूरा ग्लोबली ये चेंज आप महसूस करेंगे कि लोग पहले मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, धीरे धीरे वो बदलता गया. तांबे के बर्तन आए, कांच के बर्तन आए, नॉन स्टिक आ गए, टप्परवेयर आ गया, और अभी आप देख रहे हो कि वापस ये लोग सब मिट्टी के बर्तन की ओर जा रहे हैं. क्योंकि साइंस ने हमें जो कुछ भी दिया, धीरे धीरे बाद में वो पता चला कि वो सब हमारे लिए नुकसानदायक था, और हमें आज प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, वापस उसको हटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ रहा है, और साइंस की इस देन ने हमें कितना नुकसान दिया, ये आप भलीभांति इस बात से परिचित हैं. ऐसा ही आयुर्वेद के साथ हो रहा है. 5000 साल पुराना ये सिस्टम, जिसने कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भला किया, उनको दीर्घायु प्रदान की, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ साथ बदलते बदलते हम एलोपैथीकरण की ओर होते चले गए. आप देखेंगे कि इंसान एक बीमारी का इलाज करने जाता है, समझ लीजिए कि उसको जोड़ों में दर्द था, वो जोड़ों के दर्द की दवा खाने लगा, उस दवा की वजह से उसके अंदर एसिडिटी पैदा हो गई, फिर उसको एंटासिड लेने पड़े, उस एंटासिड की वजह से उसके अंदर एलर्जी पैदा हो गई, जिसके लिए उसको एंटी एलर्जिक लेने पड़े, और उस एंटी एलर्जिक की वजह से उसको नींद आना बंद हो गया, जिसके लिए उसको नींद की दवा लेनी पड़ी. तो ऐसे करके हम एक बीमारी का इलाज करने जाते हैं और 10 बीमारी मुफ्त में लेके आते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और ये ऐसी दलदल है जिसमें से कि निकलना निहायत ही कठिन है. आज लोग आप देखोगे मल्टीविटामिन, कितने सारे भ्रम हैं डाइट को लेके, जिसे भी हम हेल्दी खाना समझते हैं वो अनहेल्दी है, और जिसे हम अनहेल्दी समझते हैं वो हेल्दी है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. घी को इंसान का दुश्मन समझ लिया गया, और आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि घी जन्म से लेके मरण तक नित्य सेवनीय रसायन है. यानी कि अगर किसी को दीर्घायु चाहिए, जिसको स्मृति, मेधा, इच्छा शक्ति, धारणा शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, शारीरिक बल, इन सब का अगर हमें लाभ प्राप्त करना है, तो हमें नित्य घी का सेवन करना है. लेकिन कोलेस्ट्रॉल नाम की आपदा को, राक्षस को इतना बड़ा बता दिया गया कि जैसे ये घी आपके लिए एक राक्षस का कार्य करेगा. लेकिन आज मेरे कितने ही मरीज ऐसे हैं जिनको मैं प्रचुर मात्रा में घी खाने को देता हूँ, और उन्होंने कोलेस्ट्रॉल से भी मुक्ति पाई है, जोड़ों के दर्द से भी मुक्ति पाई है, एसिडिटी से भी मुक्ति पाई है, सिर दर्द से भी मुक्ति पाई है, अनिद्रा से भी मुक्ति पाई है, और वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, बलपूर्वक जीवन जी रहे हैं. या एक्चुअली जो आपने घी का बोला, पहले मैं भी बिल्कुल घी नहीं खाती थी, लेकिन जब से आपने विजय जी को भी बोला है और यू नो वो भी बहुत बिलीव करते हैं, तब से उन्होंने मुझे भी बोला कि यू शुड हैव घी, और फिर मैंने एक चम्मच से सुबह घी खाना शुरुआत की एंड आई कैन सी द रिजल्ट. मुझे मला खरंच खूप फरक जाणवतो त्याचा, की मी आता घीची मात्रा वाढवली आहे, पण त्याने खरंच सगळी सिस्टम माझी क्लिअर होऊन जाते. और एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, कोई नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे कि वो यू नो हेल्दी है या वो बीमार है, या फिर वो बीमार ना होने के लिए वो किस तरह से अपने आप को अपने आप की यू नो प्रोटेक्शन ले ले, प्रिकॉशंस ले ले? आयुर्वेद में बड़ा क्लियरली बताया गया कि हमें अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण किस प्रकार से करना है. सबसे पहला जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको समय पर भूख लगना, ये स्वास्थ्य का पहला लक्षण है. समय पर भूख लगने पर जो भी भोजन हमने किया उसका सही प्रकार से पाचन होना, ये स्वास्थ्य का दूसरा लक्षण है. और सही प्रकार से पचे हुए भोजन के बाद बने मल का सम्यक पूर्वक बिना किसी बाहरी सहायता के निष्कासन होना, ये स्वास्थ्य की तीसरी निशानी है. चौथी निशानी, समय पे नींद आना और समय पे जग जाना. पांचवी निशानी, शरीर पे आपके थकावट का महसूस ना होना, आपका बल और आपका वर्ण, वर्ण मतलब कि हमारा ऑरा, हमारी चमक, हमारी चेहरे पे हमें बिना किसी कॉस्मेटिक के कैसे हम चमकता हुआ चेहरा लेके जाएं और वो रहे ऐसी निरापद या निरामया, जिसको स्थिति बोलते हैं हम, कि बिना बीमारी का लक्षण है.
पांचवा, जब हमारी आत्मा और मन प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस में कहीं पे भी स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर, मन और आत्मा ये तीन कंपोनेंट हैं हमारी लाइफ के, और इन तीनों का ही स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो इस बात का हम निर्णय करें कि क्या हम सब कुछ सुविधाओं के होते हुए भी मन से खुश हैं क्या, तो हम स्वस्थ हैं, और अगर सब अभाव में भी हम खुश हैं तो हम तब भी स्वस्थ हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। एक तो खुश होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक जो इंसान अंदर से खुश है वो बहुत ही हेल्दी है। ऐसी कोई चीज़ है जो, जैसे हम सबको आजकल मालूम है कि वात, कफ, पित्त ऐसे तीन प्रकृति होते हैं, दोष होते हैं आई थिंक आपके, आप जो बोलते हैं वो, तो ऐसे तीनों टाइप के लोगों के लिए ऐसी कोई एक चीज़ है जो तीनों ले सकते हैं, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि उनकी प्रकृति क्या है, तो ऐसे लोग बिना जाने हुए कोई एक चीज़ की जो उनको अपाय नहीं करेगी, ऐसी है कोई? देखिए, सबके लिए एक तो मैं ये बोलता हूँ कि समय पे सोना और समय पे जगना। आधी बीमारियाँ तो हमारी इसी चीज़ से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं हम, कि जब भी आपकी आंखों में नींद आ जाए तो तुरंत बिस्तर को पकड़ लीजिए। दूसरा, जब भी आपको भूख लगे तुरंत कुछ खा लीजिए। हमेशा जो लोग वर्किंग होते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं काम के चक्कर में कि हमें खाना भी है, जिसकी वजह से शरीर में वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो वैक्यूम जो वायु बढ़ती है, वायु ही सभी रोगों का कारण है। आयुर्वेद में बोला गया कि सर्वा ही चेष्टा वातेन सा प्राणा प्राणी नाम समृता तेन एव रोगा जायन्ते तेन च एव उपरुद्धते, यानी कि वायु को अगर आपने काबू में कर लिया तो आप सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और उस वायु को काबू में करने के लिए तीन चीज़ें करिए, एक प्राणायाम, नित्य प्राणायाम करिए, नित्य ओम चैंटिंग करिए, नित्य घी का सेवन करिए, आपको कोई व्याधि नहीं। मैं आयुर्वेद को नॉलेज बोलता हूँ, क्योंकि साइंस तो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। साइंस आज जिस चीज़ को अच्छा कहती है 10 साल बाद उसी चीज़ को बुरा कहती है, उसके साइड इफेक्ट बताती है और उससे मुक्ति पाना चाहती है। मैं वही बोलने वाली थी कि ये जो आयुर्वेदा का जो नॉलेज जो आप बोल रहे हैं वो अभी तक टिका हुआ है, और जिसको हम लोग आजकल फॉलो करते हैं ज़्यादातर जो एलोपैथी है या और मॉडर्न साइंस, वो हमेशा अपने डिसीजंस व्यू पॉइंट्स चेंज करता रहता है। तो आई थिंक हम लोग को ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए जो सालों से हैं, जिन्होंने जब प्रकृति का निर्माण हुआ तब से आई थिंक है। तर अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ जी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मुगलों ने, अंग्रेजों ने आयुर्वेद को त्रस्त करने की, भ्रष्ट करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी आयुर्वेद जीवित है, क्योंकि एक सच्ची विद्या है, भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो कि एक सर्विस बुक की तरह है कि हमें अपने शरीर को, मन को और इंद्रियों को कैसे सम्यक रूप से दीर्घायु के लिए यूज करना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपसे सच्ची में बात करके बहुत नॉलेज तो मिला ही, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मिला, एक विजन क्लियर हुआ मेरा, तो एटलीस्ट एंड आई एम श्योर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगे और वो अभी इस बात को जानेंगे और कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की कोशिश करेंगे, और ये जो नॉलेज है आयुर्वेदा का नॉलेज है उसको फॉलो करेंगे। सो आई होप तुम्हाला हे आमचं कॉन्व्हर्सेशन, हे आमचं जे बोलणं आहे ते आवडलं, आणि त्यातनं तुम्हाला बरंच काही शिकायला मिळालं किंवा तुम्ही तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये चेंज कराल त्यामधनं काही, आणि ह्या आयुर्वेदाला फॉलो कराल, जितकं जास्त नेचरच्या जवळ जाल, आयुर्वेदा नेचर ज्या वेळेस आपली ही प्रकृती निर्माण झाली तेव्हापासून आहे, आणि त्या नेचरला तुम्ही कनेक्ट झालात, फॉलो केलात, तर आय थिंक हेल्दी लाईफ इज नॉट गोन बी अ बिग डील। सो पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार, कल्याणमस्तू।